मजबूत हो रही है। जिस तरीके से साइकिल में कुत्ते लगे होते हैं, तो जब वो कुत्ते फेल हो जाते हैं तो साइकिल चल नहीं पाती है। तो भैया इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते फेल हो चुके हैं। हरीश रावत जी के नेतृत्व में चैनल दिखा रहा है, रुड़की जीत रहे हैं, झबरेड़ा जीत रहे हैं, मंगलोर जीत रहे हैं, कलियर जीत रहे हैं, भगवानपुर जीत रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, ये जितने भी बेईमान भाजपाई हैं सब जेल जाएंगे। देख रहे हैं रुड़की, इस समय हम सिविल लाइन में कांग्रेस सेवा दल की यहाँ मीटिंग चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है राजेश जी। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस मजबूती से सामने आ तो रही है, पर भाजपा भी कहीं ना कहीं काफी मजबूत है। अब कांग्रेस यहाँ से सीट कैसे निकाल पाएगी? कांग्रेस तो खुद पार्टी हिंदू की दुश्मन, किसान की दुश्मन, मुसलमान की दुश्मन, नौजवान की दुश्मन, कहाँ से मजबूत हो रही है? जिस तरीके से साइकिल में कुत्ते लगे होते हैं, तो जब वो कुत्ते फेल हो जाते हैं तो साइकिल चल नहीं पाती है। तो भैया इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते फेल हो चुके हैं। हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे दमदार तरीके से सत्ता हासिल करने जा रही है। और अभी जो जी न्यूज चैनल है, वो जी न्यूज चैनल दिखा रहा है, रुड़की जीत रहे हैं, झबरेड़ा जीत रहे हैं, मंगलोर जीत रहे हैं, कलियर जीत रहे हैं, भगवानपुर जीत रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, ये जितने भी बेईमान भाजपाई हैं सब जेल जाएंगे। सर अभी टिकट की बात करते हैं, कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिख रहा है। अभी प्रीतम सिंह जी अभी आए थे कुछ दिन पहले, जो तीन लोग टिकट की मांग कर रहे थे, सचिन गुप्ता जी, हंसा सचदेवा और मनोहर लाल शर्मा, वो वहां पे नहीं उपस्थित थे। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। देखो मैं टिकट का सबसे बड़ा दावेदार तो मैं हूँ, लेकिन हरीश रावत जी ने मेरा टिकट काट दिया, ठीक है ना। लेकिन हम एक बड़ी गंभीर देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, हम उसके सदस्य हैं। टिकट मांगने वाले को महसूस होता है, कष्ट होता है, और जिसको मिलता है उसको समझाना चाहिए। और जो आपने जिन लोगों के रुड़की में नाम दिए हैं जिनका टिकट कटा है, राहुल गांधी जी कल 3:30 बजे उनको बैठा करके बात करेंगे, स्वयं देवेंद्र यादव जी बात करेंगे, और हरीश रावत जी भी आने वाले हैं परसों, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, सब मिलकर के सबको समझाएंगे। और आप देखो 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भाजपा को सत्ता से भगाएंगे। मैम आप देखिए, कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं है, नेशनल लेवल की 136 साल हो गया, बहुत बड़ा पार्टी है। कांग्रेस में कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस में लीडर भी हैं। प्रीतम सिंह जी भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हरीश रावत जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, तो इसलिए आपस में कोई मतभेद नहीं है। दोनों मिलकर, सब मिलकर कांग्रेस को लाना चाहते हैं, कांग्रेस लाएंगी और कांग्रेस बढ़ेगी, तभी तो नेता भी बचे रहेंगे, इसलिए सब मिलकर काम करते हैं। छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में झगड़ा होती है, हर परिवार में नाराजगी होती है, मगर ये बहुत बड़ा पार्टी है, देश बहुत बड़ा है, इसलिए देश को पहले रखते हुए सभी नेता एक साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति अगर हम देखते हैं, ऑल्टरनेटिव रही है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा क्यों होता है या लोगों को समझ नहीं आ पाती? ये तो लोग बताएंगे ना, लोगों को अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा जीवन चलाना है, तो ये सोचते हैं कि बदलाव, पहले कांग्रेस को लाए, उसके बाद कुछ नाराज हो जाते हैं तो दूसरे पार्टी को लाते हैं, वैसे ही बदलाव लाते हैं। इस बार भी बदलाव है, अब बदलाव होगी और यहाँ पर कांग्रेस सरकार बन रही है, और सही मीडिया अगर सही से बताएंगे तो कांग्रेस के रुझान अच्छा है। मैम कांग्रेस की बात करते हैं, झबरेड़ा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे राजपाल जी, अब वो भाजपा में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दल बदल की राजनीति कब तक आ? ये दल बदल की राजनीति बीजेपी से शुरू हुआ है। प्रत्याशी कांग्रेस के थे, बीजेपी का, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी से टिकट मिल लिया, झबरेड़ा से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी की राजनीति आप जानते हैं, डराना धमकाना, तोड़ना फोड़ना, इतना ही। ऐसे ही करते करते कितने दिन चलेगा? आपने देखा है कि मोदी जी बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ जो भी उन्होंने बोला, तो बेटियों के साथ यूपी में क्या हो रहा है ना? हम संस्कारी लोग हैं, हम आपस में भाई बहन, कांग्रेस में मातृशक्ति बोलते हैं, तो इसलिए कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता है। नाराजगी रहती है बस, मगर सब मिलके काम करेंगे। ये दल बदल का काम बीजेपी ने किया है,
लोगों को भी समझ में आ चुका है। इसलिए अब 7 साल का केंद्र सरकार भी आपने देखा है, सब नाराज। कांग्रेस इस बार कितनी सीटें लेके आ पाएगी उत्तराखंड में? अच्छे मत बहुमत में, यानी कि इनको तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दो पिछली बार टूट गया था, इस बार ये तो तोड़ने का ही काम करते हैं। बस पचपन से 65 सीटें आ रही हैं। तो आपने देखा भाई, कांग्रेस सेवा दल की यहाँ मीटिंग हो रही थी, पूरे जोर शोर से कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ रही है और साफ कह रही है 55 से 60 सीटें उत्तराखंड प्रदेश में आ रही है। अब यहाँ पे सरकार उत्तराखंड में किसकी बनेगी, ये तो खैर वक्त बताएगा और जनता बताएगी। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।